एक दिन का शूट था एंड उसी दिन रैप पार्टी थी बिकॉज लास्ट डे ऑफ शूट था, तो सारी कास्ट आई थी एंड पूरा टीम था वहां पे. सो आई एम ग्लैड कि मतलब इवन दो मैं एक ही दिन गई, मैं सबसे मिली बिकॉज एवरीवन वाज देयर. एंड केक वेक काटा हमने एंड शूटिंग आल्सो वाज फन. द डायरेक्टर वाज वेरी स्वीट, बहुत अच्छे थे. हाँ मतलब वो काफी स्वीट है. मैं उनसे पहले भी मिली मिली हूँ बिफोर आई वर्क विथ हिम और लाइक मेट हिम ऑन दिस शो, बट मुझे पता था वो अच्छा ये शो में भी है. एंड हाँ काफी आई थिंक डेफिनेटली अगर झलक दिखला जा फिर से आ जाए तो आई वुड लव टू डू झलक बिकॉज आई लव डांसिंग. एंड उसमें एनी वेज आप एक प्रोफेशनल डांसर के साथ पेयर होते हो तो इट्स लाइक आई एम. Hi guys, this is Sanaya Pithawala and you are watching me on Terry Chaska. So hi Sanaya, first of all welcome to Terry Chaska and you know congratulations for Carter. So सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या थी शूट के दौरान. मुझे ऑनेस्टली बहुत मजा आया शूट करके. मेरा एक्चुअली आई शॉट ओनली फॉर वन डे फॉर द शो, बट आई हैड फ्रेंड्स इन द शो एंड आई न्यू द टीम पहले से, तो मैं काफी एक्साइटेड थी. एंड मैंने कार्टेल के बारे में पहले भी सुना था बिकॉज आई नो फ्यू फ्रेंड्स जो एक्चुअली इसके स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, तो आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड एंड आई वॉज वेटिंग कि ये शो कब आएगा. एंड यू नो आई डेंट नो कि चलो आई ऑल्सो गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑल्सो. ओके तो जैसा कि आपने बताया आपका कुछ ही सीन थे या बहुत कम सीन थे, लेकिन जितना भी था जो भी था वो कितना एंजॉय किया आपने और कितना मजा आया. बहुत मजा आया क्योंकि एक दिन का शूट था एंड उसी दिन रैप पार्टी थी बिकॉज लास्ट डे ऑफ शूट था, तो सारी कास्ट आई थी एंड पूरा टीम था वहां पे. सो आई एम ग्लैड कि मतलब इवन दो मैं एक ही दिन गई, मैं सबसे मिली बिकॉज एवरीवन वाज देयर. एंड केक वेक काटा हमने एंड शूटिंग आल्सो वाज फन. द डायरेक्टर वाज वेरी स्वीट, बहुत अच्छे थे. एंड बाकी के भी जो मेरे को एक्टर्स थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे दे वर वेरी स्वीट, तो आई थिंक इन ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा दिन था, इट वाज फन. ओके यू नो आपने कई सारे कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन हमने आपको निभाते हुए देखे हैं, कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं, सो हाउ डिफरेंट वाज दिस वन फ्रॉम यू नो यू हैव प्लेड बिफोर ऑन स्क्रीन. दिस वाज अ लिटिल डिफरेंट. मैंने कभी ऐसे जर्नलिस्ट या राइटर का कैरेक्टर कभी नहीं किया, सो दिस वाज दैट. सो इनफैक्ट आपसे मुझे या आई कैन आई एम श्योर लाइक आई रिलेट टू यू नाउ बिकॉज आई हैड टू यू नो experiment and like look into things and you know be that very serious character, but it was fun. मजा आया करते हुए और मुझे हमेशा से करना भी था you know journalist and writer का role, so yeah it was fun. Okay ऋत्विक के बारे में बात की जाए तो उनके साथ bond किस तरह का रहा on set and you know he is known as high energetic person on the set उनके दोस्त ने जितना भी जो yeah. बताया तो आपके साथ कितनी मस्ती थी या प्रैंक किया क्या उन्होंने साथ. मतलब वो काफी स्वीट है. मैं उनसे पहले भी मिली मेट हिम ऑन दिस शो, बट मुझे पता था वो ये शो में भी है. एंड हाँ काफी स्वीट है वो, वेरी फन लविंग एंड वेरी क्या बोलते हैं एनर्जेटिक लाइक यू सेड. एंड प्रैंक हाँ आई थिंक ही इज अ प्रैंकस्टर क्योंकि मुझे याद है जब रैप पार्टी हुई थी तो केक काट रहे थे हम सब एंड थे एंड हमने केक काटा एंड देन सब एक दूसरे को बाइट खिला रहे थे एंड ही केम टू मी ऐसे ओके तो आई थॉट ही इज गिविंग मी केक एंड आई एम लाइक और मैंने देखा तो मेरे को टिश्यू दे रहे थे. इट वाज टिश्यू का पैड यू नो लाइक अ टिश्यू पेपर एंड देन ही थ्रू इट एंड ही इज लाफिंग. आई वाज लाइक दैट्स नॉट फनी बट या ही इज क्वाइट अ प्रैंकस्टर आई गेस. ओके एंड इसके अलावा रियलिटी शोज की बात की जाए जैसे खतरों के खिलाड़ी हो गया या बिग बॉस हो गया या झलक हो गया या कोई भी डांस बेस्ड रियलिटी शो हो गया, अगर आपको कभी मौका मिला तो कौन से रियलिटी शो का हिस्सा बनना पसंद करोगे. आई थिंक डेफिनेटली अगर झलक दिखला जा फिर से आ जाए तो आई वुड लव टू डू झलक बिकॉज आई लव डांसिंग. एंड उसमें एनी वेज आप एक प्रोफेशनल डांसर के साथ पेयर होते हो तो इट्स लाइक आई एम वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. अदरवाइज आई एम नॉट अ बिग रियलिटी शो पर्सन. मुझे इनफैक्ट दो तीन साल से बिग बॉस
का कॉल आता है लाइक दे आस्क मी बट आई एम नॉट अ रियलिटी शो पर्सन. लाइक मुझे पता है मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे रियलिटी शोज इतने पसंद नहीं है. सो आई एम जस्ट लाइक आई अवॉइड दैट बट एनी डांस रियलिटी शो डेफिनेटली. ओके रियलिटी शोज के ऊपर ही आपने कहा आप नहीं जाना चाहेंगे लेकिन टीवी इंडस्ट्री से कौन से ऐसे एक दोस्त है जिनको आप स्कूल में यू नो देखना चाहेंगी बिग बॉस में भेजना चाहेंगी. I think मेरे दो फ्रेंड्स जो है क्रिसान एंड काजोल दोनों आई थिंक परफेक्ट है फॉर बिग बॉस और एनी रियलिटी शो. इनफैक्ट क्रिसान तो शी वाज इन एस ऑफ स्पेस तो उनको तो पता है कैसा होता है एंड काजोल विल बी ग्रेट आई थिंक फॉर बिग बॉस. तो आई गेस हाँ मैं उन दोनों को डालना चाहूंगी. ओके एंड इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वो क्या है और सनाया हमें किस यू नो नए अवतार में देखने मिलेगी बिकॉज़ जो भी कैरेक्टर्स आपने अब तक पिक किए हैं पिछले से काफी अलग रहे हैं. यस यस आई थिंक आने मतलब आई एम यू नो प्लानिंग टू शूट फॉर सम न्यू थिंग्स तो आई एम श्योर आप लोगों को देखने मिलेगा. मैं ज्यादा बता नहीं सकती अभी शोज के बारे में बट रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया है अंकित तिवारी का गाना है एक मोहब्बत. इट्स ऑन यूट्यूब एंड उसमें भी काफी अलग कैरेक्टर था इन अ वे. मतलब थोड़ा नेगेटिविश था बिकॉज इट्स लाइक अबाउट चीटिंग एंड यू नो रिलेशनशिप में वाइफ चीट करती है तो मैंने वो कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया. सो दैट वॉज क्वाइट अ चैलेंज एंड वो दैट इज राइट नाउ आउट ऑन यूट्यूब. एंड हिमेश रेशमिया की भी एल्बम के लिए मैंने शूट किया है सो दैट विल ऑल्सो कम सून. सो या मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स आई थिंक ऑन इट्स वे. ओके तो जैसा कि अभी आपने बताया म्यूजिक वीडियो में यू गॉट चीटेड ऑन तो रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ तो इनफैक्ट म्यूजिक वीडियो में आई हैव चीटेड ऑन मतलब आई एम द चीटर बट इन रियल लाइफ आई हैव बीन चीटेड ऑन. यस यस हुआ है बट ठीक है. आई फील लाइक कि अगर किसी के साथ ऐसा भी हुआ है तो यू शुडंट फील कि यार मतलब मेरे साथ क्यों हुआ या जो भी है. इट्स ओके सबके साथ होता है. इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. उससे आप इनफैक्ट और बच्चे और बन जाते हो एंड यू इमर्ज स्ट्रॉन्गर. सो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यू नो लाइक गलत हुआ या क्यों हुआ. इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस. फैंस को मैं बस कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लाइक लविंग माय वर्क अप्रिशिएटिंग. आई मीन मेरे फैंस बहुत स्वीट है. लाइक मुझे हर सुबह जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ उठती हूँ तो मेरे इतने सारे टैग्स होते हैं. लाइक पीपल यू नो दे टैग मी वॉरियर है कोई मुझे डिसफंक्शनल फैमिली दिल्ली तो है. लाइक जो भी मेरे कैरेक्टर्स है दे स्टिल लाइक इट दे स्टिल मतलब वॉच एंड अप्रिशिएट विच इज ग्रेट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू एंड आज जो भी मैं हूँ इज ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ माई फैंस एंड ऑडियंस. अगर वो नहीं होते तो ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं होती. सो या थैंक यू सो मच. ओके एंड अपनी जर्नी को किस तरह से आप डिस्क्राइब करती है कि यू नो यू हैव बीन सो फॉर्चुनेट विद सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स एंड कैरेक्टर्स. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि यू नो काश अलग होता या काश मुझे एक बिग प्रोजेक्ट बिग बजट में ब्रेक मिलता या कुछ भी. आई थिंक जो मेरी जर्नी है बहुत सच्ची है ऑनेस्ट जर्नी थी. मैंने ऑनेस्टली मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑन माई ओन यू नो टर्म्स एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट. अगर आप जो भी लाइफ में करते हो इवन अगर आप यू नो टॉप पे नहीं पहुंचे हो कहीं हो बट आपकी खुद की मेहनत से तो वो सैटिस्फैक्शन अलग होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी एंड ऑफकोर्स देयर इज मोर टू गो. सो आई फील लाइक इट्स ऑल स्टेप बाय स्टेप. सो या इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी सो फार. ओके थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एज वेल. थैंक यू रिद्धि. सी यू. थैंक यू. बाय.